देखो, ज्ञान एक ऐसी चीज है ना जो हमें सबसे लेना चाहिए। अब सबसे लेने का मतलब ये नहीं है कि जिसको पता नहीं उससे भी लेने लगो, क्योंकि कोई भी परफेक्ट थोड़ी ना है, ना मैं परफेक्ट हूं ना कोई और परफेक्ट है। और चूंकि इतना बड़ा मार्केट है, इसीलिए ये एक बहुत ही बेहतरीन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। पहले जो हम मार्केटिंग करते थे उसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये सबसे बड़ा फायदा है कि हमको बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटिंग देखने को मिलती है फेसबुक एड्स में, और इसलिए हमें फेसबुक एड्स चलाना बनता है। और मार्केटिंग में क्या है, आपने करी पता नहीं कब रिस्पॉन्स आई, यहाँ आप सुबह ऐड चलाइए शाम को रिजल्ट लीजिए। लेकिन कोशिश ये करना कि शुरुआत जब करना, जैसे अभी बिगिनर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो शुरुआत में आप अलग अलग जगह से मत पढ़ना, क्योंकि भटक जाओगे फिर तो। ठीक है, शुरुआत आप कहने का मतलब एक बार कोर्स कर लीजिए पूरा फेसबुक एड्स का, उसके बाद कोर्स करने के बाद आप अलग अलग वीडियोस देखिएगा, सारे टीचर्स की देखिएगा, तो आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे हम आपको फाउंडेशन क्लियर कर देंगे, है ना, कि क्या क्या होता है एड्स चलाना, आपको हर एक चीज डीप में बढ़िया से सिखा देंगे। सिखाने के बाद जो होता है ना पॉलिश करना, अपने आप को पॉलिश करने के लिए आप रेगुलर बेसिस पर अलग अलग यूट्यूब पर वीडियोस या फिर आप कोर्सेज भी ले सकते हैं। आजकल तो 300 400 500 रुपए के भी कोर्सेज बिकते रहते हैं, तो उनको लेकर के भी आप ट्राई कर सकते हो, सीख सकते हो, ताकि आपकी एक्सपर्टीज बनी रहे, है ना। तो फेसबुक एड्स, बल्कि इसको हम काट करके कर देते हैं मेटा एड्स। आपको पता है फेसबुक इज नाउ व्हाट, मेटा एड। ठीक है, तो आज से हम लोग मेटा एड्स शुरू करने जा रहे हैं। पहले जिसको हम लोग फेसबुक एड्स बोलते थे, वो आज हो गया है मेटा एड्स। इससे पहले हम कुछ एक चीजें जान लेते हैं, कि जैसे फेसबुक के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो आप सबको पता है कि फेसबुक के पास कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप बता सकते हो, या मेटा के पास कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं? एक तो खुद का फेसबुक है, जहां पर आप अपना पोस्ट वगैरह शेयर करते हो, और क्या है, व्हाट्सएप है, हाँ थ्रेड्स है, और क्या है, ओके, और ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं मेटा के, जिन पर आप यूजिंग फेसबुक एड्स हर जगह पर एड चला सकते हो, एक्सेप्ट थ्रेड्स, क्योंकि थ्रेड्स अभी लॉन्च हुआ है, बट आने वाले टाइम में आपको इस पर भी एडवर्टाइजिंग की चीजें देखने को मिलेगी, और शायद आप फेसबुक एड्स मैनेजर से ही आप हर जगह पर एड चला पाओगे। बट अभी आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और इंस्टा पर यूजिंग फेसबुक एड्स एड चला सकते हैं। अगर हम बात करें केवल फेसबुक की, तो इस टाइम पर फेसबुक से 2 बिलियन प्लस यूजर्स हैं जो डेली विजिट करते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हम बात करें सिर्फ मोबाइल यूजर्स की, तो इसमें से 1.2 बिलियन से ज्यादा लोग केवल मोबाइल यूजर्स हैं। बात समझ रहे हो, मोबाइल पर बहुत बड़ा मार्केट है और फेसबुक यूज करने वाला। ऑलमोस्ट सारे लोग क्या करते हैं, जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो यहीं पर यूज करते हैं। अगर हम बात करें कि यार ऑन एन एवरेज एक बंदा फेसबुक पर कितनी देर लाइव रहता है एक दिन में, तो 50 मिनट से ज्यादा, 50 मिनट से ज्यादा एवरेज की हम बात कर रहे हैं, एक बंदा पर डे फेसबुक पर रहता है, आता ही आता है। ठीक है, ये कुछ स्टैट्स हैं, और चूंकि इतना बड़ा मार्केट है, इसीलिए ये एक बहुत ही बेहतरीन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सीधी सी बात है, जहां पर जनता होगी आप एड्स तो वहीं दिखाओगे ना। अगर कोई टीवी देखने वाला ही नहीं बचेगा, तो आप ऐड किसको दिखाओगे? आज टीवी से ज्यादा मोबाइल यूजर हो गए, ज्यादातर लोग यूट्यूब पर आ गए, फेसबुक पर आ गए, सोशल मीडिया पर आ गए, अब तो डिटर्जेंट की ऐड यूट्यूब पर भी आती है। इसका मतलब क्या है कि सोशल मीडिया, जिसमें फेसबुक भी एक पार्ट है, और चूंकि इतना ज्यादा सब कुछ होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे यूजर्स हैं, इसीलिए हम प्रिफर करते हैं कि हम फेसबुक एड्स जरूर से जरूर चलाएंगे। कुछ और कारण है जिनकी वजह से आपको फेसबुक एड्स जरूर प्रिफर करनी चाहिए। ठीक है, फेसबुक एड के कुछ हम फायदों की अगर हम बात करें, तो क्यों आपको चलाना चाहिए, तो आप में से कोई बता सकते हो क्यों चलाना चाहिए? यानी कि यहाँ पर फेसबुक में सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटिंग देखने को मिलती है। स्पेसिफिक टारगेटिंग का मतलब क्या होगा, कि यहाँ पर आप अपनी एड्स को किसी भी एज रेंज को दिखा सकते हो,
है ना, जैसे आप चाहते हो कि सिर्फ 18 से 24 वाले देखें, 24 से 30 वाले देखें, तो आप अपनी एज रेंज खुद डिसाइड कर सकते हो कि किस एज रेंज वाले बंदों को आपको ऐड दिखानी है। ठीक है, यहाँ पर आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग भी कर सकते हैं। हालांकि अब जो आपकी टारगेटिंग है, फेसबुक धीरे धीरे बहुत ही ब्रॉड करता चला जा रहा है। अगर आप व्हाट्सएप एड्स देखेंगे तो व्हाट्सएप में फेसबुक ने टारगेटिंग ऑप्शन ही हटा दिया है, टारगेटिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि वो ज्यादा लोगों को आपकी एड्स को पहुंचाना चाहता है। और अभी एआई उसका इतना स्मार्ट हो गया है कि आपकी केवल और केवल एड कॉपी जो आपने लिखी है ना, एड कॉपी, अभी हम समझेंगे एड कॉपी क्या होती है, उसी से आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये एड किसको दिखानी है। ठीक है, बट हम ये देखें कि यहाँ पर हम टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं, एज के बेसिस पे कर सकते हैं और इंटरेस्ट के बेसिस पर कर सकते हैं, हाँ जेंडर वाइज भी कर सकते हो। ये हम कह लें कि डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स का मतलब एज हो गया। लोकेशन के बेस पर आप टारगेट कर सकते हो। अब स्पेसिफिकली अगर हमारा इंस्टीट्यूट मान लो ऑफलाइन कोचिंग चलानी, तो हम क्यों लखनऊ में प्रमोशन करेंगे? लखनऊ में भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि इसमें हम लोकेशन को भी प्रिफर कर सकते हैं कि किस लोकेशन पर हमें एड दिखानी। अब ये सब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो नहीं कर सकते हो ना, पहले जो हम मार्केटिंग करते थे उसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये सबसे बड़ा फायदा है कि हमको बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटिंग देखने को मिलती है फेसबुक एड्स में, और इसलिए हमें फेसबुक एड्स चलाना बनता है। एज कम्पेयर टू अदर एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो या फिर हम गूगल एड्स की बात करें, उसकी तुलना में बहुत ही कम बजट में आप एड्स अपनी चला सकते हो। एक काम आप और भी कर सकते हो, इसमें आप अपने कैंपेन्स की रिपोर्टिंग कर सकते हो। कैंपेन्स रिपोर्टिंग का ऑप्शन मिलता है, इससे क्या है कि आप जो भी अपने कैंपेन चला रहे हैं उसमें आप देख सकते हो कि यार किसका कितना खर्चा आ रहा है, लीड जो आ रही है वो आपके रेलेवेंट है कि नहीं है, लीड की कॉस्ट कितनी जा रही है, आपके एड पर कितना खर्च हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हो रिपोर्ट देख करके। ये बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा मान लो कि हमने एक पोस्टर लगाया या बैनर लगाया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं या टीवी की हम बात कर रहे हैं, तो टीवी पर आपने एड जब देखी तो एडवर्टाइजर को क्या पता चलेगा कि कितने लोगों ने उनकी एड देखी? नहीं पता चलेगा ना। बट यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पर आपको जो रिपोर्ट मिली आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि कितने लोगों ने आपकी एड को देखा, कितने लोगों ने आपकी एड पर क्लिक किया और कितने लोगों ने आपकी एड से कन्वर्ट हुए, सब कुछ देख सकते हो। ये ऊपर जो देखा वो चीज तो रिपोर्टिंग कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करी या आपको लीड दी, यानी आप कन्वर्जन को भी रिपोर्टिंग में देख सकते हो, टोटल कन्वर्जन आपके कितने। ये रिपोर्टिंग आपको कहीं और नहीं दिखेगी सोशल मीडिया के अलावा, यानी डिजिटल एड्स के अलावा। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा। और अभी आपने क्या बताया था, बजट है ना, इसका जो बजट होता है ना, बहुत लो बजट में आप एड्स को चला सकते हो। इतना ही नहीं, आपके पास बजट कंट्रोलिंग का भी तो ऑप्शन है, बजट आप कंट्रोल भी तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में है। आप 100 रुपए की एड्स चलाओ, आपके हाथ में है, आप 200, 500, 1000, 10000 जितने की चलाओ, सब कुछ आपके कंट्रोल में है और आप अपने बजट के हिसाब से आप अपनी एड्स को चला सकते हो। ये अब अगर दूसरे एड्स की हम बात करें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, तो वहां पर आपको एक मिनिमम बजट तो लगाना ही पड़ेगा। 100 रुपए का तो एड कोई कर ही नहीं सकते हो आप, 500, 1000 रुपए का भी इवन नहीं कर सकते हो, है ना, आपको बल्क में करवाना पड़ता है, तब जाके आपको ठीक ठाक कॉस्टिंग मिलती है और रिजल्ट और रिस्पॉन्स शायद ना के बराबर मिलता है। तो ये कुछ एक बेनिफिट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखिए। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट और है, बहुत बड़ा बेनिफिट है, इंस्टेंट रिजल्ट। इंस्टेंट रिजल्ट सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्यों? और मार्केटिंग में क्या है, आपने करी पता नहीं कब रिस्पॉन्स आई, यहाँ आप सुबह ऐड चलाइए शाम को रिजल्ट लीजिए। तो एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर आपको बहुत ही फास्ट रिजल्ट देखने को मिलता है ना, इसको आप नोट डाउन कर लो जल्दी। अगर आप सभी लोग एक सक्सेसफुल एड चलाना चाहते हो तो ये चीजें मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपको आनी चाहिए।
अगर इन चीजों में से कोई एक चीज आपको नहीं आती है तो शायद आपको उतना अच्छा कन्वर्जन नहीं मिलेगा जितना ये सबको आता है उसको मिलेगा। तो इन चीजों पर ही आपको महारत हासिल करनी है, क्योंकि आज के समय में फेसबुक एड्स चलाना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। बहुत सारे लोग एक वीडियो देखे और एड्स चला दिए, बट कन्वर्जन शायद आपसे ज्यादा कोई नहीं ला पाएगा अगर आपने इन बातों को ध्यान में रखी है। तो पहली चीज है कि आपको बेहतरीन टारगेटिंग करनी आनी चाहिए। अगर आपको एक अच्छी टारगेटिंग करनी आती है तो बहुत ज्यादा आपका कन्वर्जन बढ़ जाएगा। अगर आपको टारगेटिंग करनी नहीं आती है फेसबुक एड्स पर, आप किसी को भी ऐड दिखाए जा रहे हो तो सेम वही बात होगी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में करते थे, किसी को भी ऐड दिखाने वाली बात। तो टारगेटिंग आपकी बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपकी ऐड आपको दिखानी किसको है। इसमें अगर आपने गलती करी तो आपका जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा और रिजल्ट कम मिलेगा या खराब मिलेगा। टारगेटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको फनल की मास्टरी होनी चाहिए। अगर आपको फनल्स बनाना नहीं आता, क्या होता है फनल वो हम अभी बात करेंगे, बट आपको फनल्स की मास्टरी होनी चाहिए। कितने टाइप की फनल होती है, फनल को कैसे एग्जैक्टली एग्जीक्यूट किया जाता है, और आपको क्या आना चाहिए। टारगेटिंग के बाद आपको आना चाहिए एक अच्छी एड कॉपी लिखना। एड कॉपी तो सभी लोग लिखते हैं, लेकिन आपको अच्छी एड कॉपी लिखना आना चाहिए। एड कॉपी का मतलब होता है कि फेसबुक में जब आप एड्स देते हो ना, तो ऊपर कुछ कंटेंट लिखा होता है ना, एड के ऊपर कुछ लाइन लिखी होती है, उसको हम लोग एड कॉपी बोलते हैं या प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं। तो आपको एक अच्छी एड कॉपी लिखनी आनी चाहिए। और आपको क्या आना चाहिए, आपके पास एक अच्छी वीडियो स्क्रिप्ट होनी चाहिए। यानी कि जो आपने वीडियो बनाई है एड चलाने के लिए, देखो फेसबुक पर आप कई टाइप की एड चला सकते हो, जैसे आप अपने फोटो की एड चला सकते हो, आप कराउजल एड चला सकते हो, और आप चला सकते हो वीडियो एड्स, ठीक है। अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो इस टाइप की चीजें यूज कर सकते हो, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छा कन्वर्जन आपको कहाँ पे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वीडियो में ही मिलेगा, सबसे पावरफुल और जबरदस्त कन्वर्जन। कारण मैंने कल आपको बताया था कि वीडियो ही सबसे ज्यादा आपको कन्वर्ट करके देगी। तो आपने जब कोई वीडियो बनाई एड के लिए, तो एड के लिए जो आपने वीडियो बनाई है वो इतना पावरफुल वीडियो होनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट करके तुरंत ट्रस्ट कर सके। तो वो जो स्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं, जो हम बोलते हैं, वो हवाबाजी में नहीं बोलते कि खड़े होकर गए, हेलो दोस्तों अगर आप मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं, ऐसे नहीं। उसकी प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करी जाती है, जैसे एक मूवी लिखते टाइम उसको पहले स्क्रिप्ट करके एक एक चीज लिखी जाती है कि कहाँ पर क्या करना है, कैसे बैठना है, किस स्टाइल में बैठना, एक एक चीज को लिखा जाता है। सेम उसी तरीके से जब भी आप अपनी एक फेसबुक एड्स बनाइए तो अपनी स्क्रिप्ट को बहुत बेहतरीन से लिखिए। और इसके लिए आप किसकी मदद ले सकते हो, इसके लिए आप चैट जीपीटी के साथ साथ में जो प्रोफेशनल लोग एड चला रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री के लोग, उनकी स्क्रिप्ट से हेल्प लेकर के अपनी एक नई स्क्रिप्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बहुत बढ़िया लैंडिंग पेज बनाना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सेल्स एड चला रहे हो या फिर लीड एड चला रहे हो, लैंडिंग पेज से लीड कलेक्ट कर रहे हो, उस केस में आपका एक बेहतरीन लैंडिंग पेज होना चाहिए, खासकर सेल्स में। बहुत बड़ी चीज़ है ये, जो शायद बहुत लोग इग्नोर करते हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो हल्के में लेते हैं, बट लैंडिंग पेज ही सब कुछ है भाई, सब कुछ है। बंदा अगर आपके पेज पर चला गया, ये तो हो गया भैया बंदे को पेज तक भेजने की बात। अगर आपकी फनल अच्छी है, टारगेटिंग अच्छी है, एड कॉपी अच्छी है, वीडियो स्क्रिप्ट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो बंदा आपके लैंडिंग पेज पर चला गया। अब अगर लैंडिंग पेज ही खराब है तो वो वहां से रिटर्न मार जाएगा, सारी मेहनत खराब। तो इसका मतलब ये है कि आपको लैंडिंग पेज अच्छा बनाना आना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने हमको फॉलो किया होगा, उनको लैंडिंग पेज के तो वो भगवान बन गए होंगे, नहीं बन गए होंगे, यानी कि लैंडिंग पेज तो आप नंबर एक का बना ही सकते हो। एक बार हम इसमें बनाएंगे अपना जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो, बट आपको एक बहुत अच्छा लैंडिंग पेज बनाना आना चाहिए। इसके बाद इससे भी बड़ी एक चीज़ आती है, और सबसे बड़ी एक चीज़ आती है जो आपको आनी चाहिए, इसको हम बहुत बड़ा लिखेंगे, आपको ऑफर बनाना आना चाहिए। ये कला है ऑफर बनाना,
अगर आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप बेच रहे हो या जो आप कन्वर्जन चाहते हो उसके लिए आपने अपने ऑफर को कैसे डिजाइन करा है, क्या स्ट्रेटजी लगाई है और क्या आपने साइकोलॉजी लगाई है कि सामने वाले को पता भी ना चले और आप उसको प्रोडक्ट बेच दें, होता नहीं है ऐसा। और आज से अभी से आपको क्या करना है कि जितनी भी टीवी में एड्स देखना, फेसबुक पर ऐड देखना या यूट्यूब पर ऐड देखना, आप सबके ऑफर पर फोकस करना कि लोगों के बेचने का जो ऑफर देने का तरीका है वो कैसा है।